ଭାରତ ପାଲଟିଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ ଦେଶ। କୋଭିଡ ଟିକାକରଣରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ମାତ୍ର 95 ଦିନରେ ଦିଆଯାଇଛି 13 କୋଟି ଡୋଜର ଟିକା। ଏତିକି ପରିମାଣର ଟିକାଦାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ନେଇଥିଲା 101 ଦିନ। 109 ଦିନରେ ଚୀନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 13 କୋଟିରେ। କେବଳ ଏପ୍ରିଲ 20 ରେ ଭାରତରେ ଦିଆଯାଇଛି 29,90,127 ଡୋଜ। କୋଭିଡ ମୁକାବିଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ପାଇବ ସଫଳତା। महामारी मुकाबला पाई टीकाकरण सबुठ बड़ विकल्प होता बेले विश्वर सबुठ द्रुत टीकाकरण देश पाल्टी भारत। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय सूत्र मिलता खबर अनुसार एवं द्रुत टीकाकरण भारत सृष्टि विश्व रेकर्ड। जो संख्यक डोजर टीका देवाई आमेरिका को 101 दिन और चीन को 109 दिन लगी संख्यक डोजर टीकादान भारत को लगी मात्र 95 दिन। सूचना अनुसार एप्रिल 20 तारीख सुधा अर्थात मात्र 95 दिन भितर भारत में दि जा 13,19,310 डोजर टीका। केवल एप्रिल 20 तारीख दिन देश में लोक मान दि जा 29,90,197 डोज जहां अन्य दिन अपेक्षा ढेर अधिक। यार अर्थ दिनकू दिन बढ़ा जाउची टीकादान संख्या। लोकसंख्या दृष्टि देशर अन्य राज्य और केन्द्रशासित अंचल अपेक्षा केवल महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात पश्चिमबंग कर्णाटक मध्यप्रदेश एवं केरल में दि जा 68.33% टीका। देश में जनवरी 16 तारीख आरंभ होता टीकाकरण। प्रथम पर्यायर आगधाड़ी कोविड योद्धा और स्वास्थ्यकर्मी को दिया बेले द्वितीय पर्यायर 60 वर्षर ऊर्ध वयस्क व्यक्ति एवं 45 वर्षर ऊर्ध जटिल रोग भोगुवा व्यक्ति को टीकाकरण में सामिल कर। एप्रिल 1 तारीख देशर समस्त 45 वर्षर ऊर्ध व्यक्ति को टीका प्रदान कर। मे 1 तारीख 18 वर्षर ऊर्ध समस्त नागरिक को टीका प्रदान पर घोषणा कर सारी केन्द्र सरकार। से अनुसार देश में टीका उत्पादन वृद्धि कराइवा बेले विदेशी टीका को मध्य अनुमति देवार योजना कर। टीकाकरण अभियान को त्वरान्वित कर महामारी मुकाबले खूब शीघ्र सफलता हासिल कर भारत। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे निजो मोबाइल रे अर्गस न्यूज रा आप माध्यम रे आपण देखि परिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव। गूगल प्ले स्टोर किबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप। इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे। बस खबर बे आपण को हाथ पहांतारे आपण भी जोडी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ अपडेट सत्यर संधान रे अर्गस सबुबेले लोकक साथ रे।